आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ में आशा बहु कल्याण समिति उत्तर प्रदेश द्वारा आजमगढ़ जिले में अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट क्षेत्र में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आशा कार्यकर्त्रियां सड़क पर धरने पर बैठ गईं। काफी देर तक धरने पर बैठने के चलते जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। अधिकारियों द्वारा काफी मान मनोबल के बाद धरनारत आशा कार्यकर्त्रियां सड़क पर से उठकर नारे लगाते हुए कुंवर सिंह उद्यान में चली गईं और धरने पर बैठ गई। बता दें कि आशा बहुओं ने सबसे पहले कुंवर सिंह उद्यान पार्क में सैकड़ों की संख्या में जुटकर रणनीति तय की। इसके बाद नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतर गई। अपनी एकता दिखाते हुए सभी ने सरकार से अपनी मांगों पर मुखर आवाज उठाई। उन्होंने अपनी मांगों में प्रोत्साहन राशि को हटाकर निश्चित मानदेय देने की मांग की है और आशा बहुओं को 18,000 और आशा संगिनियों को 24,000 मानदेय देने की भी मांग की है। साथ ही मृतक आश्रित आशा संगिनी के परिवार को योग्यता होने पर आशा संगिनी पद पर चयन किए जाने व 24 घंटे की सेवा देने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से 50,00,000 का बीमा कवर सहित राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की है। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह, जिला अध्यक्ष विभा राय, जिला उपाध्यक्ष मीनू भारती सहित आशा चौहान, शकुंतला पुष्पा राय, केवली देवी, मनसरा प्रजापति, पूजा चौहान सहित भारी संख्या में आशा बहुएं उपस्थित रहीं। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवाद की रिपोर्ट। संख्या में यहाँ प्रदर्शन कर रही है, यहाँ कलेक्ट्रेट जाम भी कर दिया, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार हमको एक मुफ्त मानदेय दे दे, हम कुछ नहीं करेंगे, इसलिए कि हम आशाएं बहुत पीड़ित हैं। सब सरकार सब विभाग के साथ कुछ न कुछ कर रही है, हम आशाओं के साथ कुछ नहीं कर रही, जबकि सारा विभाग हम आशाओं से काम करवाता है। जिस समय कोरोना महामारी चल रही थी उस समय सारा विभाग घर में था, हम आशाएं घर घर घूम के निकाल निकाल के सफाई इलाज कर रही थी, घरों घरों में जा जा के। क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है? कम से कम हम आशाओं पर राम खाना चाहिए कि जितनी कड़ी मेहनत हम करते कोई विभाग नहीं करता है। तो हम सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आचार संहिता के पहले पहले हम लोगों का सरकार एक फिक्स मानदेय नहीं कर देती है या किसी श्रेणी में नहीं रख देती है तो हम उनको नो वोट करेंगे, हम दूसरी सरकार लाएंगे, हमारा वादा है। आवाज दो, आवाज दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बदल दो, ताज बदल दो। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।